तेलंगाना के आजमीन हज का पहला काफिला तलबिया की गूंज में अर्ज मुकद्दस के लिए रवाना हुआ। हैदराबाद के हज हाउस से 150 आजमीन हज का पहला काफिला सुबह 6:15 एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ। एयरपोर्ट पर 10:15 बराए मस्कत जिद्दा के लिए पहली परवाज रवाना हुई। रियासत के जुमला 46 फ्लाइट्स के जरिए आजमीन सफर मुकद्दस के लिए रवाना होंगे। हज हाउस से आजमीन हज की रवानगी का मंजर इंतहाई जज्बाती और रू परवर था। सफेद अहराम में मलबूस आजमीन तलबिया पढ़ने में मसरूफ देखे गए। इनके रिश्तेदारों और अहबाब ने इनको बादीदाए नम विदा किया और इनसे दुआओं की गुजारिश करते रहे। खबले अजी हज हौज आजमीन की रवानगी से खबल मुनाकिदा तकरीब में मुमताज आलिम दीन मौलाना मुफ्ती खलील अहमद शेख अल जामिया निजामिया हैदराबाद ने इस्लामी इबादत का तफसीली जायजा लिया। 22 जून को रियासत से आखिरी परवाज आजमीन के साथ सरजमीन हज्जाज के लिए रवाना होगी। आजमीन की खिदमत के लिए तमाम तर मुमकिन इकदाम किए गए हैं। इस मौके पर मौलाना मुफ्ती खलील अहमद शेख अल जामिया निजामिया, वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, मुशीर बराए अखिलियती बहबूद ए के खान, सदर नशीन अखिलियती कमीशन तारिक अंसारी, सदर नशीन तेलंगाना हज कमेटी मोहम्मद सलीम, सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीला खान, सदर नशीन अखिलियती मालियती कारपोरेशन इम्तियाज इसाक, टीटीवी न्यूज एमडी मोहम्मद फुरखान अहमद और दूसरे मौजूद थे। जनाब तहरीम साहब और डाइस पर बैठे हुए हमारे चेयरमैन और बुजुर्गों और खास तौर से मुफ्ती खलील अहमद साहब का तमाम मेम्बरान और तमाम मेरे हाजी भाई और मीडिया के दोस्तों, यकीनन हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज एक मैच पहला मैच आज होगा जा रहा है अल्लाह का फजल करम से। इंशाल्लाह तेलंगाना हुकूमत हमेशा ही हमारे सीएम साहब आज की खिदमत के बारे में एक ही बात कहते हैं, आज ही अल्लाह के मेहमान है। उनकी जितनी खिदमत हो सके हम खासतौर से अब साल कई वर्षों से तेलंगाना स्टेट सारे हिंदुस्तान में नंबर वन तरीके से पोजिशन से हाजियों को भिजा रहे हैं। कई अवार्ड भी हमें मिले हैं और बेस्ट हाजियों की सर्विस देने में हमारे तेलंगाना स्टेट के चेयरमैन उनके तमाम मेम्बरान जो यहाँ वॉलंटियर्स बहुत अच्छी तरह से खिदमत करते हैं, तमाम हाजी भाइयों को दिल की गहरों से मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला यकीनन उन्हीं लोगों को बुलाते हैं जिन्हें वो याद करते हैं और जाने के बाद अब जरूर अपने फैमिली के लिए, खुद अपने लिए और अपने अफराद खानदान के लिए दुआ कीजिए और उसके बाद साथ में हमारी हुकूमत के लिए, खासतौर से दुनिया में जो हालात है और हमारे स्टेट में जो हालात है, हमारी कंट्री में जो हालात है, खासतौर से अखिलेश के लिए आप अकेले के अल्लाह ताला से दुआ कीजिए और हमारी स्टेट में जिस तरह हमारे भाई साहब की तरक्की हो रही है उसी के लिए आप हमारी चीफ मिनिस्टर साहब के लिए, उनके अफराद खानदान के लिए और स्टेट के तमाम लोगों के लिए, हमारी कंट्री के तमाम लोगों के लिए अल्लाह ताला से दुआ फरमाइए। यहाँ पर अमन कायम है, भाईचारे की खैर रहे, मोहब्बत भाई जिस तरह मिलजुल कर हमारी स्टेट में रहे उसी तरह अल्लाह ताला हमेशा हमको प्यार और मोहब्बत करेंगे और उसी तरह तरक्की दे, यही मैं बात कहते हूँ। मैं सबसे पहले मैं अल्लाह के मेहमानों को मुबारकबाद देता हूँ जो हाजी साहिबान है, मेरे भाइयों को, मेरे बहनों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह आप लोगों का हज कबूल करे और अल्लाह ताला आप लोगों को सब्र जमील अता फरमाए, क्योंकि वहाँ पर हज का नाम ही सब्र है। वहाँ पर जज्बात में जाके एक दूसरे को उलझना नहीं वहाँ पर। और दूसरी बात यह है कि हमारे डाइस पे हमारे मोहतरम मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहब, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि हर हज के काफिले के पहले काफिले पे हमारे मौलाना की दुआ रहती है हमेशा। मौलाना भी दुआ करते हैं और हमारे शफीउल्लाह साहब, हमारे डीसीपी साहब, एसीपी साहब, हमारे मेंबर्स और हमारे जो भी टाइस पे हमारे ऑफिसर्स भाई जो भी हैं सबको सलाम। और सबसे पहले आप लोग अपने पासपोर्ट की हिफाजत रखिए, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद अपन पासपोर्ट एक तरफ रियाल एक तरफ, ये नहीं, ये रियाल पासपोर्ट अपन सेफ रखना है क्योंकि अपन हज के उसमें रहते हैं अपन। और दूसरी चीज़ फ़ोन वगैरह भी यूज़ मत करिए वहाँ पर, अपन अल्लाह के मेहमान बन के जा रहे हैं वहाँ पर और आने तक भी अल्लाह के मेहमान ही रहते हैं आप लोग, और आने के बाद भी 40 दिन तक जो है आप लोगों की दुआ कबूल होती है। और वहाँ पर भी जाके अपन जो है ना फ़ोनों पे टाइम वेस्ट और तवाफ करते वक्त भी जो है ना फ़ोन लेके अपन अपने घर वालों को अपन तवाफ कर रहे बोल के बता रहे, वो बहुत बड़ा गुनाह है, वो सब चीज़ा नहीं करना है, सीधा सीधा इबादत करना है अपने को। अपन इतनी दूर जा रहे हैं अल्लाह के वास्ते और अल्लाह को राज़ी करने के लिए जा रहे हैं अपन, ये नहीं कि अपन वहाँ जाकर जो है ना
अपन अपना वीडियो कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये सब जरूरत नहीं है। क्या मिलिए अपन जाने सब अपन हज के अरकान करने के बाद रात की करना है तो गाइड करिए गवर्नमेंट से। खादिम लजाज भी 300 आदमी पे खादिम लजाज है, इंशाल्लाह ताला वो लोग नहीं रहेंगे तो हम आपको आप रिपोर्ट करिए, इंशाल्लाह ताला आने के बाद फिर उनके ऊपर भी एक्शन रहेगा। खादिम लजाज से भी गुजारिश है, हाजियों को कुछ भी प्रॉब्लम है देखना है, जब का जब हमको भी रिपोर्ट करना है। और अभी लेट हो रहा, अभी मैं माफी चाहता हूँ, ज्यादा टाइम ले लिया। आप लोगों से भी दुआ की गुजारिश है, हमारे लिए भी सेहत और ईमान की दुआ करिए, और हमारे हिंदुस्तान के लिए भी अमन और अमान रहने के लिए दुआ करिए। खुदा खैर करिए, घर वालों के ले लिए बस है वही, मगर वहां जाने के बाद आप लोग जो है यहाँ से अब नियत कर लिए हैं, एहराम पहन लिए हैं, तो आप लोग जो है ना कसरत से मक्के मुकरमा जाने तक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़िए, आप लोग लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वो नियामत लकबल मुल्क ला शरीक लक, ये कसरत से पढ़िए आप लोग एहराम उमरा एहराम खोलने तक हरम जाने तक, उसके बाद में वहां पर कसरत से जो है ना अपन दुआ करना है, सस्ते में दुआ करना है, और अल्लाह ताला से जो दुआ मांगेंगे बराबर कबूल करेंगे अल्लाह ताला, क्योंकि उसके दरबार में कोई कमी नहीं है। और अल्लाह का करम ये है कि अपन दुनियादारी को छोड़ के जा रहे हैं, अपन यहाँ से बच्चों को बीवी को भाई बहनों को सब पूरे खानदान को छोड़ के जा रहे हैं, अपन अल्लाह के वास्ते जा रहे हैं, तो अपन दुनियादारी को बाजू कर दे के अपन अल्लाह की लव लगाना है अपने को। ये नहीं कि अपन जो है ना जा रहे हैं फिर रास्ते में से फोन आया, उधर से फोन आया, फोन तो बिल्कुल शैतान है, फोन फटका था अपने को, ये फोन को बाजू रख दे रहा है, बिल्कुल ऑफ कर दीजिए, स्विच ऑफ कर दीजिए, या घर वालों को बोल दीजिए एयरपोर्ट से कि मैं हमको फोन मत करिए, हम लोग खुद रात में करेंगे। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग जो है ना अपने पासपोर्ट की हिफाजत रखिए, अपने रियाल जो भी है खर्चे के वो भी रखिए, और दूसरी चीज वहां पर ठंडा पानी नहीं पीना है, ठंडा पानी अब गर्मी को जो है ना प्यास बुझाने के लिए बोल के अपन ठंडा पानी पीते, कतई ठंडा पानी छीना नहीं है, ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम कुछ भी ऐसा खाएंगे तो वहां पर तबीयत अपनी और खराब होगी, सर्दी जुकाम ये सब चलेगा, क्योंकि वहां पर गर्मी अभी ज्यादा है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग कसरत से नमाज के बाद जो है ना अपन झटपट नमाज पढ़ के फिर निकल गए, नहीं नमाज के बाद दुआ करिए, जितनी देर दुआ करेंगे अल्लाह ताला उसको खुश होता, अल्लाह ताला दुआ करने वालों से अल्लाह ताला बहुत ज्यादा खुश होता। आप जो मांगे देखिए, आप आने तक जो है ना अल्लाह ताला पूरा जो है हर चीज अपनी लाइन पूरी क्लियर कर देंगे। आप हज करने का मतलब ये है कि अपन माँ के पेट से जैसा पैदा होते उसी तरीके से अपन हज करके आने के बाद उसी तरीके से क्लीन हो जाते एकदम। तो उसके बाद भी अपन जैसा मदीने मुनव्वरा का भी लिहाज अदब करना है, बहुत बड़ा अदब करना है वहाँ, और जोर से आवाज नहीं करना, आराम से बिल्कुल सरकार के पास भी जो है ना बहुत एहतराम से जो है बिल्कुल आवाज नहीं, बिल्कुल नीचे मुंडी डाल के अपन जो दुआ कर सकते करिए वहां भी। और अल्लाह का